गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। यूको बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर भी बढ़ाई बैंक ने ब्याज दरें। रेपो रेट से लिंक है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए सभी अवधि की एफडी पर ब्याज की दर 0.5% बढ़ाई है। विज्ञापन पे किए जाने वाले वादों को दिखाना होगा प्रमुखता से। सरकार ने विज्ञापन को लेकर बताई है गाइडलाइन। विज्ञापन ऐसे होने चाहिए जिससे उपभोक्ता भ्रमित ना हो। विज्ञापन में तस्वीर के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखानी चाहिए सभी जरूरी सूचनाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्य 3 मई 2023 तक कर सकेंगे अधिक पेंशन विकल्प चुनने के लिए आवेदन। पहले ये अवधि 3 मार्च 2023 को हो रही थी समाप्त। कर्मचारी और कंपनी को संयुक्त रूप से ईपीएस के तहत ऊंची पेंशन के लिए करना होगा आवेदन। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को दिया था बरकरार रखने का आदेश। सरकार ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा में किया है बदलाव। इसका मकसद है दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बेहतर बनाना। नई परिभाषा के तहत ब्रॉडबैंड के लिए न्यूनतम स्पीड होगी अब 2 Mbps। TRAI ने भी टेलीकॉम कंपनियों से सेवा गुणवत्ता सुधारने को कहा है। कंपनियों को हर तिमाही देनी होगी राज्यवार रिपोर्ट। इधर आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने पेश किया है निश्चित आयुष प्लान। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान करता है गारंटिड रेगुलर इनकम की पेशकश। पॉलिसी के पहला महीना खत्म होते ही शुरू होगी इनकम। मैच्योरिटी पर मिलेगा लमसम फायदा। पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति निर्माण में मदद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है पहला म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अभी यहाँ मौजूद है 10 नगर निगम के 28 म्यूनसिपल बॉन्ड। इनकी क्रेडिट रेटिंग है AA। नगर निगमों को नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने में मिलेगी मदद। देश के नगर निगम वित्तीय रूप से बनेंगे अनुशासित और गवर्नेंस ओरिएंटेड। एयरटेल के नेटवर्क पर 5G ग्राहकों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। एयरटेल मार्च 2024 के अंत तक सभी कस्बों और गांव तक पहुंचाएगी 5G सेवाएं। एयरटेल ने 5G की शुरुआत के बाद 30 दिन में 10 लाख ग्राहकों को जोड़ने का बनाया था रिकॉर्ड। देश में फास्ट स्पीड 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। 2024 तक उत्तर प्रदेश में अमेरिका जैसी होंगी सड़कें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के विकास के साथ बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ से पटना पहुंचा जा सकेगा केवल 4.5 घंटे में। और इधर तापमान बढ़ने से खिले हुए हैं एसी कंपनियों के चेहरे। जी हाँ, गर्मी जल्द आने से इस बार बिक्री 20% बढ़ने की उम्मीद है। रेफ्रिजरेटर और कूलर जैसे अन्य उत्पादों की बिक्री भी बढ़ने की उम्मीद है। एसी कंपनियां मांग पूरा करने के लिए बढ़ा रही हैं अपना उत्पादन। मांग बढ़ने से कीमतों में भी आ सकता है उछाल। और इधर तापमान बढ़ने से खिले हुए हैं एसी कंपनियों के चेहरे। गर्मी जल्द आने से इस बार बिक्री 20% बढ़ने की उम्मीद है। रेफ्रिजरेटर और कूलर जैसे अन्य उत्पादों की बिक्री भी बढ़ने की है उम्मीद। एसी कंपनियां मांग पूरा करने के लिए बढ़ा रही हैं अपना उत्पादन। मांग बढ़ने से कीमतों में भी आ सकता है उछाल। इधर अप्रैल से नए उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद बढ़ेंगे वाहनों के दाम। वॉल्वो मोटर्स ने की विभिन्न मॉडल्स के दाम 5% तक बढ़ाने की घोषणा। भारतीय वाहन उद्योग अपने उत्पादों को भारत चरण 6 के दूसरे स्तर के अनुरूप बनाने के लिए कर रहा है काम। और इधर एविएशन इंडस्ट्री में मिलेगा अब ज़्यादा रोजगार। DGCA की 2 साल में 400 तकनीकी कर्मियों को भर्ती करने की है योजना। कार्यालयों की संख्या भी बढ़ाकर की जाएगी 19। विमानन सुरक्षा निगरानी रैंकिंग में भारत ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि। 112वें स्थान से आया है 55वें स्थान पर। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 335 परियोजनाओं की लागत 4.46 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। देरी और अन्य कारणों से बढ़ी है इन परियोजनाओं की लागत।
150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। कुल 1454 परियोजनाओं में से 335 की लागत बढ़ी है। 871 परियोजनाएं चल रही हैं फिलहाल देरी से। भारत की आर्थिक वृद्धि दर है काफी कमजोर। ये देश के बढ़ते श्रम बल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरबीआई की एमपीसी के सदस्य जयंत आर वर्मा ने ये बात कही। महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की चिंता उन्होंने जताई है। मौद्रिक सख्ती से मांग पर पड़ रहा है दबाव। कर्ज की मासिक किस्त का भुगतान बढ़ने से परिवारों का बजट भी हुआ है प्रभावित। देश का निर्यात भी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कर रहा है संघर्ष। दिवगी टार्क ट्रांसफर सिस्टम ने आईपीओ के लिए तय किया है 560 रुपये से 590 रुपये का मूल्य दायरा। कंपनी बनाती है वाहन के कलपुर्जे। पूंजी बाजार से 412 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। 1 मार्च को खुलेगा कंपनी का आईपीओ। 3 मार्च को ये बंद होगा। एंकर निवेशक 28 फरवरी को लगा सकेंगे शेयरों के लिए बोली। इस हफ्ते बाजार में आएंगे 2 आईपीओ। रेजिडेन लिमिटेड के शेयरों की बिक्री होगी मंगलवार से शुरू। सिस्टैंगो टेक्नोलॉजी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 मार्च से खुलेगा। बीएससी कमी प्लेटफॉर्म पर ये लिस्ट होंगे शेयर। रेजिडेन आईपीओ का मूल्य दायरा है 45 से 47 रुपये प्रति शेयर। सिस्टैंगो आईपीओ के लिए मूल्य दायरा है 85 से 90 रुपये प्रति शेयर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन हर रोज हम आपके साथ जुड़ते हैं दोपहर 2 बजे आपकी तमाम वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए। और इसी क्रम में आज दोपहर 2 बजे हम बात करेंगे ईपीएस को लेकर के। जी हाँ, बढ़ी हुई पेंशन का फायदा किसे मिलेगा? अगर आपके मन में भी पेंशन को लेकर के कोई सवाल है, कोई दुविधा, कोई आशंका है, तो आज हमारे खास मेहमान जितेंद्र सोलंकी जी आपकी इन तमाम मुश्किलों को सामान्य करेंगे, उन तमाम उलझनों को सुलझाएंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं 9311121874 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए आपका जो भी पेंशन को लेकर के प्रश्न हो, ईपीएफ को लेकर प्रश्न हो, आप हमसे अपना प्रश्न सीधे पूछिए। दोपहर 2 बजे लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रियंका जी होंगी और जितेंद्र सोलंकी जी हमारे खास आज के मेहमान होंगे, जो तमाम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन अपने काम की ज़रूरी महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और लगातार बने रहिए Money9 के साथ। और अब मुलाकात होगी आपसे कल। फिलहाल के लिए नमस्कार।